हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे SGPGIMS लखनऊ रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं 825 वैकेंसी सिस्टर ड्राइवर टेक्नीशियन अदर पोस्ट की वैकेंसी निकली है, जो कि आप 17 सितंबर से आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत रहेगी, उन सब के बारे में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, आपने मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में सबसे पहले पता चल सके। फ्रेंड्स, साथ में आप मेरे फ्रेंड, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिस्टर ड्राइवर टेक्नीशियन और अदर पोस्ट की। जो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, सिस्टर ग्रेड टू, जिसमें आपका बीएससी होना चाहिए ऑनर्स में नर्सिंग, ठीक है, या फिर आपका बीएससी नर्सिंग, या फिर आपका बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड रजिस्ट्रेशन एज ए नर्सरी मिडवरी और डिप्लोमा इन जनरल नर्सरी में होना चाहिए, रजिस्टर एज ए नर्सरी एंड मिडवाइवरी, रजिस्टर एज ए नर्स एज मिडवाइवरी एंड सेक टू ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 2 साल का अनुभव मांगा गया है। देख सकते हैं जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की आपने 12th पास होना चाहिए, इसमें आपका 12th पास चल जाएगा, और साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, या उसके और साथ में 2 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी में और 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 12th के साथ 2 साल का आपका डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी में और 1 साल का अनुभव। तो यहाँ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी में या टेक्नोलॉजी में, या फिर आपका मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टेक्निकल आपका रेडियोग्राफर में 12th पास होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, डिप्लोमा 2 ईयर कोर्स होना चाहिए रेडियोग्राफी में या फिर रेडियोथेरेपी में, टेक्निक में 1 साल का अनुभव होना चाहिए, या आपका बीएससी होना 3 ईयर कोर्स होना चाहिए रेडियोलॉजी में और रेडियोथेरेपी में। टेक्नीशियन आपका दे सकते हैं रेडियोलॉजी में, आप दे सकते हैं 12th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का कोर्स का, ठीक है। इन रेडियो टेक्नोलॉजी में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपका बीएससी 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए रेडियोग्राफी में। ड्राइवर का आपका दे सकते हैं ऑर्डिनरी ग्रेड, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, हैवी व्हीकल आपका होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए मोटर व्हीकल मैकेनिज्म का, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद आपका आ रहा है आपको मीडिया सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड टू की मास्टर डिग्री होनी चाहिए, सोशल वर्कर एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसकी जो आपके आवेदन तब से कर पाएं जब इसकी वैकेंसी आएगी सितंबर में, तभी मैं इसका आपको बता पाऊंगा किस तरीके से आवेदन करना होता है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। तो ये थी डिटेल मैंने दिखाया, अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, वहाँ पे जो उनका आप देख सकते हैं, फ्रेंड आप देख सकते हैं हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, यहाँ पे आपको 17/8/2020 को आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका आदेश जारी किया गया है, तो देख सकते हैं आप ग्रेड टू और अन्य पदों के लिए चयन प्रक्रिया के लिए भर्ती किया है अनुक्रम, आप देख सकते हैं यहाँ पे तारीख है जो कि 17/8 को यहाँ पे स्थगित कर दिया गया था, अन्य कारण 17/9 से प्रारंभ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये डिटेल थी जो मैं
तो ये थी डिटेल जो कि मैंने बताई आपको, ठीक है। तो आपका इसकी वैकेंसी निकल चुकी है, तो आप इसके लिए 17/9 से आवेदन कर पाएंगे। तो ये डिटेल मैंने बताई, आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल एनी टाइम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।